क्टर मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है मैं, मैं ज़िला ग्वालियर मध्य प्रदेश का जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर हूँ यहाँ पर जो मेरा विषय है वो है कानून एवं व्यवस्था चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था के स्थापन के हेतु नवाचार सबसे पहले मैं ग्वालियर ज़िले का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में स्थित है ये एनसीआर रीजन में भी आता है और ये चार ज़िलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है इनमें मुरैना भिंड दतिया और शिवपुरी ज़िले हैं अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण और यहाँ का जो सोशल सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके कारण यह ज़िला कानून व्यवस्था एवं अपराध की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है यहाँ पे अमूमन कानून व्यवस्था की स्थितियाँ निर्मित होती रहती हैं चाहे वो कुछ कम्युनिटीज़ के बीच झगड़ा हो आपस में कुछ कास्ट ग्रुप्स के बीच में झगड़े हों या क्राइम सिचुएशंस हो इसके अलावा कुछ जिले का हिस्सा डकैती समस्या से भी प्रभावित है यहाँ पे गडरिया और गुर्जर गिर गिरोहों का मूवमेंट रहा है काफ़ी समय से इस जिले की जनसंख्या लगभग 18 लाख ,00 है जिसमें से विधानसभा चुनाव के समय कुल नौ लाख ,00 वोटर्स थे कुल छः विधानसभा क्षेत्रों में यह जिला बटा हुआ है जिसमें एक हजार छियानवे मतदान केंद्र है कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि जिला निर्वाचन की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से निष्पक्ष दिखाई पड़नी चाहिए काम भी वैसा करना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि इलेक्शंस का के अनाउंसमेंट या उसके पहले ही उनके सभी जो कार्य रहे वो किसी एक राजनीतिक दृष्टि के लिए किसी राजनीतिक दल के लिए कमिटेड स्तर पर ना हो और वो आ, सभी के लिए एक फेयर रूप में देखे जा सके हमने कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए एक फेज वाइज एक चरणबद्ध योजना बनाई थी आ, प्रथम चरण में जिसको मैं प्रारंभिक तैयारियों का चरण कहूँगा उसमें सबसे पहले हमने पुलिस और जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं उनकी संयुक्त तो बैठकें आयोजित की उन बैठकों में जो हमने कुछ अपना एक्शन प्लान तय किया उस एक्शन एक्शन प्लान के तहत उस कार्य योजना के तहत जिले में कुल मिलाकर हमने 13270 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 107, 116, 109, 110 सीआरपीसी के सेक्शंस हैं उनके तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की उनको बॉन्ड ओवर किया इसके अलावा ज़िले में ग्वालियर ज़िले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं पूर्व समय से ही चले आ रहे हैं बाईस हज़ार से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारी हमारे ज़िले में है और हमने दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत यहाँ पे काफ़ी ऑफेंस होते हैं तो इसलिए अलग अलग एक्ट्स में जिसमें शस्त्र अधिनियम के तहत दो सौ उनचास आबकारी अधिनियम के तहत चार सौ सत्तर युवा अधिनियम के तहत एक सौ बयासी तथा सट्टा अधिनियम के तहत छिहत्तर मामले हमने दर्ज किए और उन पर कार्रवाई की इसी प्रकार जिला बदर के एक सौ इकतालीस केसेस हमने इस दौरान किए और जो हार्डकोर क्रिमिनल एलिमेंट थे उनको जिले के बाहर किया इसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हमने छब्बीस मामलों में कार्रवाई की और जो क्रिमिनल्स थे उनको जेल में बंद किया इस बार चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण दायित्व जिला इलेक्शन मशीनरी को और पुलिस को दिया था कि जो गैर जमानती नॉन अवेलेबल फरारी वारंट है जो कि काफ़ी समय से तामील नहीं हुए हैं और ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट समाज में घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद करना इसके तहत हमने एक गैर जमानती वारंट की तामीली की और उन उसके तहत ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने इन्श्योर की कि ग्वालियर जिले में जितने भी शस्त्रधारी हैं उन सभी के शस्त्र लाइसेंसेस को हमने इलेक्शन अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया निलंबित कर दिया और इस बार हमने तय किया कि ये सभी शस्त्र लाइसेंस पुलिस थाना अथवा पुलिस लाइन में जमा किए जाएंगे इसके पूर्व के चुनाव में ये अनुभव रहा है कि आर्म्स डीलर के यहाँ ये परमिशन रहती थी कि आर्म्स डीलर के यहाँ भी शस्त्र डिपॉजिट हो सकते हैं और ऐसे केसेस में हमने ये देखा है पिछले इलेक्शंस में कि कुछ जाली रिसिट्स इशू हो जाती थी आर्म्स डीलर्स ये रिसिट इशू कर देते थे कि आर्म्स उनके पास डिपॉजिट हो गए हैं लेकिन एक्चुअली वो जो आर्म्स थे वो उन्हीं शस्त्रधारियों के पास रहते थे जो कि बाद में चुनाव के दौरान एक न्यूसेंस का कारण बनता था इस बार हमने इन्श्योर किया कि आर्म्स डीलर के पास हमने अलाउ नहीं किया और पुलिस थाना और डीआरपी लाइन पे ही केवल शस्त्रों का जमा करना सुनिश्चित किया और पूरे शस्त्र जितने थे हमारे यहाँ उन सभी का डिपोजिशन हमने इंश्योर किया कई हमारे यहाँ के जो हेवी पॉलिटिकल लोग थे उन सभी का भी हमने इंश्योर किया कि उनके भी लाइसेंस हमारे यहाँ जमा हुए यहाँ पे एक तुलनात्मक ग्राफ हमने बनाया है 2003 के विधानसभा चुनाव 2004 के लोकसभा चुनाव और 2008 का जो अभी कंक्लूड हुआ है चुनाव जिसके संबंध में मैं ये प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है सभी कार्रवाइयों में जिला बदर और एन एस ए का कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं एन एस ए के दो हज़ार तीन में ग्यारह केसेस हुए थे दो हज़ार चार में अठारह और इस वर्ष दो हज़ार आठ के असम्बली इलेक्शन के समय हमने छब्बीस लोगों को इसके इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जिला बदर के तेईस केसेस दो हज़ार तीन में हुए थे दो हज़ार चार में पैंसठ केसेस हुए थे और इस वर्ष इस चुनाव में हमने एक सौ इकतालीस लोगों को जिला बदर किया ये शस्त्र जमा करने का तुलनात्मक विवरण है आज जैसा आप देख सकते हैं कि पूर्व के वर्षों में 2003 के चुनावों में मात्र दस हज़ार दो सौ बारह शस्त्र जमा किए जा सके थे 2004 में दस हज़ार नौ सौ चौरानवे नौ सौ चौवन और 2008 में हमने पूरे के पूरे जो बाईस हज़ार आठ सौ सोलह शस्त्र थे वो सभी जमा किए इसके अलावा प्रिवेंटिव सेक्शन जो सी के होते हैं उसमें दो में जो कार्रवाइयाँ हुई थी उनकी संख्या थी पाँच हज़ार सात सौ अड़तीस दो हज़ार चार के लोकसभा चुनाव में नौ हज़ार छः सौ सत्तावन और दो हज़ार आठ के विधानसभा चुनाव में तेरह हज़ार दो सौ सत्तर तो इससे स्पष्ट इस है कि तुलनात्मक रूप से आप देख भी सकते हैं कि पूर्व के चुनाव की तुलना में इस बार प्रिवेंटिव एक्शंस हर प्रकार के बहुत अधिक लिए गए थे और जिसका नतीजा हमको चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन में मिला इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक है वो है मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स और पुलिस जो विभिन्न चरण स्तरों पर होते हैं चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक हों या उसके नीचे एडिशनल कलेक्टर या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हों एसडीओ एसडीएम और एसडीओ पुलिस हो या फिर नीचे स्तर पर कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसीलदार और थाना प्रभारी हों इन सभी स्तरों पर एक बेहतर समन्वय होना आवश्यक है इसके लिए हमने मजिस्ट्रेट्स uh, और पुलिस अधिकारियों की अलग अलग चरणों में बराबर नियमित बैठकें की उन बैठकों में हमने एक तो पहला uh, uh, जो प्रिवेंटिव एक्शंस हमने लिए उसके संबंध में पूरी एक चरणबद्ध योजना तैयार की कि हम लोग प्रिवेंटिव एक्शंस वेल बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन हमने प्रारंभ कर दिया और चुनाव अनाउंस होने के पहले ही लगभग 50 परसेंट हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस हम कर चुके थे और उसके बाद चु कोड चुनाव अनाउंस होने के बाद जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो ये प्रोटो एक्शंस और गति उसने पकड़ी और हमने जो आप पूर, पूरी संख्या आपको दिखाई उस उतनी संख्या में हमने ये सब प्रियंट एक्शंस लिए इसके अलावा हमने एक चीज़ सभी से सुनिश्चित करने के लिए कहा और इसको हमने सुनिश्चित किया भी कि प्रत्येक स्तर पर पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट साथ में फील्ड विजिट करें क्योंकि जब फील्ड में या गांव स्तर पर ये लोग साथ में जाते हैं तो ये चीज़ सुनिश्चित होती है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट का एक बेहतर तालमेल दिखाई पड़ता है और पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस को भी और जनता में भी एक मैसेज जाता है कि ये लोग संयुक्त रूप से कमिटेड uh, हैं कि एक पीसफुल और फ्री फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाएगा ये जो मीटिंग्स हमने की थी ये डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में पहली बैठक से स्टार्ट की थी और उसके बाद डिफरेंट स्तरों पर और थाना स्तर तक हमने इसकी बैठकें की बैठकें की थी जिसमें हमारे कार्यपालिक दंडाधिकारी और थाना प्रभारी भी मौजूद थे इन ट्रेनिंग्स में हमने ये भी इंश्योर किया कि ई के बारे में तथा चुनाव के अन्य नियमों के बारे में चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो या अन्य नियम हो उन सभी के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को भी हमने पर्याप्त ट्रेनिंग दी क्योंकि फील्ड में इनका क्रियान्वयन पुलिस ऑफिसर्स पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है अक्सर ये देखा गया है कि मजिस्ट्रेट्स तो नियमों के संबंध में ज्ञान रखते हैं लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को इन नियमों के बारे में बहुत जानकारी नहीं रहती है और उसके अभाव में उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से इंश्योर नहीं हो पाता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो प्रतिबंधात्मा धाराओं में हमने कार्रवाइयाँ की हैं उनको राउंड अप करके या नॉन अवेलेबल ऑफ वारंट्स का जो हमने तामीली की थी उसमें लोगों को राउंड अप किया गया है ये थानों में और डीआरपी लाइन में शस्त्रों का जमा करना दिखाया गया है जैसा मैंने बताया बहुत अधिक संख्या में शस्त्र हैं और ये सभी हमने डिपॉजिट किए ये पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की जो संयुक्त मीटिंग्स अलग अलग चरणों में अलग अलग समयों पे हुई हैं उनकी क्लिपिंग्स हैं हमारे जो प्रेक्षक महोदय थे जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने भी इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया और पुलिस मैस्ट और मजिस्ट्रेट्स को ट्रेनिंग भी प्रदान की अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जैसा मैंने शुरू में कहा कि चुनाव के दौरान और चुनाव की कार्य शुरू होते ही हमको एक निष्पक्ष प्रशासन एक निष्पक्ष एक्शन सुनिश्चित करना होगा और हमने ये सुनिश्चित किया कि रूल ऑफ लॉ लॉ जो कहा जाता है जो कानून का राज है वो सुनिश्चित किया गया इसके लिए प्रत्येक एक्टिविटी जो चुनाव से संबंधित है उसके लिए हमने कुछ नियम बनाए और ये भी सुनिश्चित किया कि नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए संपत्ति विरूपण एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कि चुनाव के दौरान हमको इंश्योर करना चाहिए हमने ये तय किया कि, कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी में हम लोग किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट अलाउ नहीं करेंगे और इसको हमने पालन किया इसके लिए हमने ग्राम लेवल से लेकर शहर तक सभी स्तरों पर अलग अलग दल बनाए ग्राम लेवल पर पटवारी पटवा पत्वार, पंचायत सचिव और जो बीट कांस्टेबल होता है उनका दल गठित किया गया शहर के लेवल पर जो म्यूनिसिपल बॉडी है उनके दल अलग अलग वार्ड्स के लिए गठित किए गए और ये इंश्योर किया गया कि जहाँ पे डिफेसमेंट होता है उसको तत्काल रिमूव किया जाए और किसी प्रकार का डिफेसमेंट जो संपत्ति विरूपण है वो अलाउ ना किया जाए और इसके लिए कोई भी राजनीतिक दल हो किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं किया गया सभी राजनीतिक दलों के एडवर्टीजमेंट्स या उनके बैनर पोस्टर्स को उसी तेजी के साथ उनको हटाया गया विरूपण अगर वो कर रहे थे और उसके लिए प्रकरण भी दर्ज किए गए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था चुनावी अभियान के लिए स्पष्ट निर्धारित नीति ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए अगर नीति निर्धारित नहीं है तो उसका क्रियान्वयन करना बहुत मुश्किल होता है इसके लिए हमने जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसके लिए कुछ रूल्स बनाए कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में हमने एडवर्टीजमेंट अलाउ किया और उसके लिए तय किया कि संपत्ति स्वामी जो है उसकी अनुमति आवश्यक होगी शहरी क्षेत्र में जो होर्डिंग्स नगर निगम या म्यूनसिपल बॉडीज़ द्वारा जो कंट्रोल होते हैं उन होर्डिंग्स में हमने एक पॉलिसी बनाई कि उनको आवेदन आमंत्रित करके उसमें अगर किसी होर्डिंग पे कंपटीशन नहीं होगा सिंगल एप्लीकेंट होगा तो उसको अलॉट हो जाएगा और अगर कहीं पे कंपटीशन है तो उसमें लॉटरी के द्वारा उनका होर्डिंग निकाला जाएगा कि जिसको भी वो होर्डिंग जाता है इस तरह से हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को उस लॉटरी में आमंत्रित किया और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इन होर्डिंग्स का आवंटन किया वो भी हमने तीन फेज में किया जो कि नॉमिनेशन के पहले के नॉमिनेशन के बाद टिल द विड्रॉल और उसके बाद कैंप पोल डे के दो दिन पहले तक इन तीन चरणों में हमने होर्डिंग्स अलाउ किए उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस फीस और जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो म्यूंसिपल बॉडीज़ को मिलना था उसको भी वसूल किया इसके अलावा आम सभा के लिए जो राजनीतिक दलों की आम सभाएं होती हैं उसके लिए हमने स्थान चिन्हित किए शहरी क्षेत्रों में भी स्थान चिन्हित किए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थान चिन्हित किए कि इन जगहों पर चुनावी सभाएं की जा सकती हैं हमने ये इंश्योर किया कि किसी भी स्कूल के ग्राउंड में या किसी शासकीय अस्पताल के ग्राउंड में या इसी किसी प्रकार की शासकीय बिल्डिंग के प्रेमाइसिस में किसी भी प्रकार की चुनावी सभा ना की जाए ना तो उनको चिन्हित किया और पूरी तरह से प्रतिबंधित किया कि ऐसे किसी भी प्रेमाइसिस में कोई भी राजनीतिक सभा नहीं हो सकती ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी अनुमति कौन देगा कितने समय के लिए देगा अनुमति की प्रक्रिया क्या रहेगी कितने समय पहले आवेदन हो सकेगा इस सब को बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया किस किस लेवल पे कौन कौन अनुमतियाँ दे सकेगा ये भी निर्धारित किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे और उन नीति के अनुरूप अनुमतियाँ जारी की जा सकें और उनको रेगुलेट किया जा सके इसी प्रकार राजनीतिक जुलूस के लिए भी हमने नियम बनाए अगर आ, कोई पॉलिटिकल प्रोसेशन जा रहा है तो उसमें अधिकतम तीन व्हीकल्स का हमने रूल किया कि तीन वाहन से ज़्यादा उस जुलूस में नहीं हो सकते हैं और उसकी अनुमति भी विधिवत या तो शहरी क्षेत्र में हमने एडीएम लेवल पर अधिकृत किया था और ग्रामीण क्षेत्रों में एस को अधिकृत किया था विधिवत अनुमति होनी चाहिए और उनकी अनुमति विंड स्क्रीन में डिस्प्लेड होनी चाहिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र जितनी भी शिकायतें चुनाव के दौरान प्राप्त होती हैं उन सभी का बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके हमने निराकरण किया कुछ जगहों पे हमको ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई कि, कि किसी पर्टिकुलर दल दल के अभ्यर्थी द्वारा कुछ नलकूप खनन कराया जा रहा है और वो भी किसी एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बिल्कुल ही गोपनीय तरीके से कराया जा रहा है उस उसमें हमने कॉग्निजेंस लेते हुए पहली बात तो वहाँ के जो संबंधित ऑफिसर जो संबंधित विभाग के थे उनको भी हमने निलंबित किया उसका कारण ये बताया कि आपके एरिया में अगर कोई आपके विभाग से संबंधित कार्य हो रहा है तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए और ये दैट रिपोर्ट शुड कम फ्रॉम यू नॉट फ्रॉम थ्रू ए कंप्लेंट उनको निलंबित करने के बाद हमने नलकूप खनन पूरे चुनाव अवधि में अपने यहाँ बैन कर दिया पूरे ज़िले में इसी प्रकार और भी कई कम्प्लेंट्स आई थी उनमें भी हमने तुरंत एक्शन लिया जहाँ पे किसी प्रकार की बिना अनुमति के जुलूस ऐसी कोई स्थिति पाई गई उसमें भी हमने वीडियोग्राफी भी कराई और उस बाद में उस कंप्लेंट पे एक्शन भी लिया इस प्रकार प्रभावी शिकायत निवारण करने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी प्रकार के विकसित नहीं हो पाई इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि वाहनों को हमने बहुत अच्छे से रेगुलेट किया और जितने भी वाहन विधिवत अनुमति प्राप्त केवल उन्हीं का संचालन हो यह सुनिश्चित किया गया इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वल्नरेबिल हेमलेट और क्रिटिकल चुनाव पोलिंग बूथ का चिन्हांकन इस इसके संबंध में अभी हाल के चुनावों से ये वलनरेबिलिटी मैपिंग और क्रिटिकल मैपिंग स्टार्ट हुई है इसके लिए हमने दोहरी स्ट्रेटजी बनाई हमने वलनेबिलिटी मैपिंग को जो उसको एक अलग चरण के रूप में लिया और क्रिटिकल मैपिंग को एक अलग फेज़ में हैंडल किया वॉलिबिलिटी मैपिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया जो हैं वो है किसी पर्टिकुलर जाति का uh, वहाँ पर प्रभाव जिस जाति के प्रभाव के कारण दूसरी जाति के जो कमजोर जाति के लोग हैं वो अपना वोट फ्री फेयर रूप में नहीं दे पाएंगे इसके अलावा अगर कोई कम्युनिटी वहाँ पे डोमिनेंट है uh, किसी रिलीजन रिलीजियस कम्युनिटी है तो दूसरी कम्युनिटी को वोट करने से रोक सकती है इसके अलावा वहाँ कोई ऐसा आपराधिक तत्व है या गुंडा तत्व है जो कि अपने प्रभाव के कारण uh, लोगों को अपने uh, मतदान से रोक सकता है ये सभी वर्नरेबल हैमलेट्स के चिन्हांकन के क्राइटेरिया रखे गए और इनका चिन्हांकन हमने सोर्स लेवल टीम्स के माध्यम से किया सोर्स लेवल टीम्स में संबंधित कार्यपालिक दंडाधिकारी पुलिस थाना प्रभारी तथा नीचे के जो ग्राम लेवल के सब उस क्षेत्र के ग्राम लेवल के फंक्शनरीज हैं उन सभी को शामिल किया गया उन सब की हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग कराई फिर ब्लॉक लेवल पे और फिर थाना स्तर पे हमने तीसरी ट्रेनिंग कराई उन ट्रेनिंग्स के बाद उनको हमने फॉर्मेट्स दिए कि कैसे इन किन किन क्राइटेरियाज़ पे इनको चिन्हांकित करना है वो फॉर्मेट्स लेके ये इंश्योर किया कि प्रत्येक हेमलेट का चिन्हांकन के पूर्व कार्यपालिक दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी की संयुक्त भ्रमण अवश्य उस हेमलेट में हो और उस फॉर्मेट के तहत उनको मैपिंग किया गया और हमारे यहाँ दो ऐसी पोलिंग बूथ आए जिसमें ऐसे वलनरेबल हैमलेट्स हमने चिन्हांकित किए इसके अलावा क्रिटिकल मैपिंग के भी कुछ क्राइटेरिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए थे इसमें एक क्राइटेरिया था कि ऐसा कोई पोलिंग सेंटर जिसमें औसत से अधिक मिसिंग वोटर्स हों जो कि विदाउट फैमिली लिंकेज हो 75 परसेंट से ज़्यादा पोलिंग पिछले इलेक्शंस में हुई हो या 75 परसेंट से ज़्यादा पोलिंग एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हुई हो इसके अलावा वहाँ पर पूर्व में कोई चुनावी चुनाव के दौरान कोई क्राइम हुआ हो या इस प्रकार की कोई घटना हुई हो ये सभी क्रिटिकल इसके अलावा भी कुछ जो उसके क्राइटेरिया थे इन सभी को क्रिटिकल मैपिंग के लिए उपयोग किया गया इस प्रकार चिन्हांकित करने पर हमारे 208 क्रिटिकल सेंटर्स आए जो पोलिंग सेंटर्स ऐसे आए जिनमें क्रिटिकल के भी कुछ एस्पेक्ट हैं प्लस वनरेबल हैमलेट्स भी हैं उनको हमने हाई क्रिटिकल कैटेगरी में रखा जो कि तिरासी हमारे जिले में हमको संख्या निर्धारित हुई इसके अलावा हमने एक क्लस्टर्स का आइडेंटिफिकेशन किया कि जो मतदान केंद्र क्लस्टर में या समूह में स्थित हैं चाहे आपने देखा होगा बड़े स्कूल्स में जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल या ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स में एक से अधिक मतदान केंद्र होते हैं उनको हमने क्लस्टर्स की संज्ञा दी और ऐसे क्लस्टर्स में से 210 क्लस्टर्स हमारे थे उसमें से चौंसठ क्लस्टर्स ऐसे थे जिनमें एक मतदान केंद्र कम से कम हाई क्रिटिकल था इसको हमने हाई क्रिटिकल क्लस्टर का नाम दिया जो कि लेटर हमने मैं बताऊँगा आगे कि कैसे उसको डिप्लॉयमेंट में यूज़ किया ये आप देख सकते हैं जो पुलिस मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग्स का मैं उल्लेख कर रहा था दूसरा ये संपत्ति विरूपण फील्ड में जो हटाया जा रहा है उसके संबंध में दिखाया जा रहा है ये एक राजनीतिक दल द्वारा बिना अनुमति के सभा करने का प्रयास किया गया था तो उसके पूरे पूरा सामान उसका फर्नीचर सब कुछ जब्त कर लिया गया था ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए थे चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी क्षेत्र हों जो भी नीति हमने तय की चाहे वो आम सभा के संबंध में हो चाहे राजनीतिक प्रचार के संबंध में हो चाहे व्हीकल्स का रेगुलेशन हो उन सभी नीतियों को हमने ये इन्श्योर किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जरूर बताया जाए विभिन्न समयों पे अलग अलग समयों पे हमने सभी राजनीतिक दलों को सूचना करके आ, सभी रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पर और जिला निर्वाचन अधिकारी के लेवल पर उनसे मीटिंग्स की और उनको अवगत कराया कि ये ये रूल्स हैं जिसको आपको पालन करना पड़ेगा और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा ये एक नॉमिनेशन प्रोसेस दिखाया जा रहा है नॉमिनेशन uh, प्रोसेस में हमने ये रूल फ्रेम किया था कि एक वन प्लस फोर का रूल था कि प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति ही uh, अंदर आर ऑफिस uh, में नॉमिनेशन uh, के लिए आ सकते हैं और इसको हमने बहुत सख्ती से लागू किया जैसा कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन उसी के तहत जो ये प्रथम uh, uh, जो आपका इम्प्रेशन पड़ता है पूरे पब्लिक पे और राजनीतिक दलों पर कि आपका नॉमिनेशन प्रोसेस बिल्कुल सख्ती के साथ क्रियान्वित होना चाहिए ताकि उनको ये मैसेज जाए कि, कि किसी राजनीतिक दल के पक्ष में कोई बायस नहीं है और मशीनरी पूरी तरह से गेयर्ड अप है हमने नॉमिनेशन प्रोसेस में ये भी स्थितियां निर्मित हुई कि कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दल जो हमारे के मेजर राजनीतिक दल थे उनके अध्यक्ष लोगों को बाहर वेट करना पड़ा क्योंकि एक प्लस चार से ज़्यादा वो हो रहे थे लेकिन हमने किसी भी तरीके से अलाउ नहीं किया कि एक भी पर्सन एक्स्ट्रा उसमें आ सके ये थाना लेवल तक जैसा मैंने बताया हमने पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग सेशन संयुक्त मीटिंग्स आयोजित की थी सभी तैंतीस थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की मीटिंग्स समय समय पर आयोजित थी ऐसा नहीं कि एक ही मीटिंग करके सब कार्य हो गया लगातार अलग अलग चरणों पे जब शुरू में प्रिवेंटिव एक्शन लेना था तब भी मीटिंग की गई जब वल्नेबिलिटी मैपिंग करनी थी तब भी मीटिंग्स की गई उसके बाद पोल डे के पहले एक फाइनल मीटिंग्स भी थाना क्षेत्रों में की गई कि व्हाट वुड विद स्टेट क्या स्ट्रेटजी रहेगी चुनाव के दिन पर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है मतदान का दिवस जिस दिन सबसे ज़्यादा जिसके लिए पूरी तैयारियां शुरू से रहती हैं इस दिवस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फोर्स का डिप्लॉयमेंट ये एक अमूमन सभी ज़िलों में सभी जिला निर्वाचन अधिकारिकों और पुलिस अधीक्षकों को ये एक समस्या रहती है कि जितनी फोर्स उनके द्वारा मांगी जाती है वो कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है अपने जिले का उदाहरण दूँ तो हमारे द्वारा दस कंपनियाँ मांगी गई थी सी की और हमको प्राप्त हुई केवल चार तो इसलिए ये जो बल होगा वो एक उपलब्ध बल एक सीमित रहेगा उसी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमको करना पड़ेगा इसके लिए जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया था कि हाई क्रिटिकल क्लस्टर्स जो हैं ऐसे समूह मतदान केंद्रों के जिनमें एक या अधिक मतदान केंद्र हो और जिसमें एक मतदान केंद्र कम से कम हाई क्रिटिकल श्रेणी का हो उन सभी पे चौंसठ ऐसे हमारे हाई क्रिटिकल क्लस्टर्स थे उन सभी में हमने सी का जो हमारे यहाँ सी की यूनिट आई थी उनका डिप्लॉयमेंट किया चूंकि वो हाफ सेक्शन से कम का डिप्लॉयमेंट नहीं लेते हैं इसलिए उस हाफ सेक्शन के डिप्लॉयमेंट के बाद उस क्लस्टर से हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो हमारे एस uh, हैं उनकी सेविंग्स की उन चौसठ केंद्रों पर सी के थ्रू ही हमने पूरा मैनेज किया और उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस या एस में से कोई ड्यूटी नहीं लगाई तो वो जो फोर्स हमारा वहाँ सेव हुआ वो दूसरी जगहों पर हमने इफेक्टिवली यूज़ किया एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी जो हमने रखी ये मोबाइलों का महत्वपूर्ण उपयोग करके क्षेत्र नियंत्रण किया Uh, किसी भी लॉर्नर सिचुएशन को दो तरह के से हम लोग मैनेज करते हैं एक तो पिकेटिंग करके और दूसरा मोबाइलिंग करके पिकेटिंग के लिए अगर आपके पास बहुत अधिक फोर्स है जो आपकी डिमांड के अनुरूप है तब तो आप पिकेटिंग के लिए या स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट करके उस पर कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन यदि आपकी फोर्स आपकी मांग से कम है और आपको लगता है कि सीमित फोर्स है उस कंडीशन में मोबाइल अधिक संख्या में रखना एरिया डोमिनेशन करना बेहतर स्ट्रेटजी होती है जिसका हमने उपयोग किया 125 पुलिस मोबाइल्स हमने चलाई जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एस को मिलाकर थी इसके अलावा हमारे 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स थे 48 जोनल ऑफिसर्स थे इसके अलावा ऑब्जर्वर्स के साथ मोबाइल्स चल रही थी हमारे डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ मोबाइल चल रही थी कुल मिला के मोबाइल्स के माध्यम से जिनमें सभी में फोर्स थी हमने पूरे ज़िले में पूरा लॉ एन ऑर्डर नियंत्रित किया हमने ऐसी प्लानिंग करी कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक दस मिनट में प्रत्येक बूथ राउंड ट्रिप होकर पुनः कवर हो जाता था अगर बीच में कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ तो अदरवाइज अगर कोई इंसिडेंट है तो उसको हैंडल करने में थोड़ा समय लग सकता था इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में हमने इस प्रकार से प्लान किया कि प्रत्येक उन्नीस मिनट अधिकतम था उसमें पंद्रह से उन्नीस मिनट के बीच प्रत्येक मतदान केंद्र दोबारा उस मोबाइल से कवर हो जाता था तो हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हो चुके थे जिसके माध्यम से हमने ये सिचुएशन पूरी रेगुलेट की इसके अलावा हमने कुछ ऐसे बैरियर पॉइंट चिन्हित किए जो कि महत्वपूर्ण तहसीलों के बीच में हो या दो महत्वपूर्ण विलेज सेंटर्स के बीच में हों और ऐसे क्रूशियल जंक्शंस पे हो जहाँ पर हमारे रास्तों का संगम होता हो या इस प्रकार की कोई स्थिति हो जिसके माध्यम से हम मोबाइल्स वहाँ पे लोकेट करें तो हम लोग पास के सेंसिटिव क्षेत्रों में तुरंत पहुँच सकें ऐसे क्षेत्रों पर हमने बैरियर्स इरेक्ट किए उन बैरियर्स पर चेकिंग तो की ही साथ में वहाँ एक मोबाइल की भी व्यवस्था रखी जो कि किसी भी इमरजेंसी में तत्काल रिस्पॉन्स दे सके इन सभी बैरियर्स पे आने जाने वाले सभी वाहनों को 100 परसेंट चेक किया गया और कोई भी लीगल या बिना अनुमति के वाहन अप्लाई करता हुआ मिला तो उसको तत्काल उसके ऊपर जब्ती की कार्रवाई की गई उसके टायर पंक्चर भी कर दिए गए इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कम्युनिकेशन प्लान भी है कम्युनिकेशन प्लान इस बार मध्य प्रदेश जिले पूरे स्टेट में और हमारे ज़िले में भी बहुत प्रभावी तरीके से लागू किया गया था और जिसके माध्यम से पूरी सूचनाएं हमारे तक बिल्कुल समय पर पहुंच रही थी और उनके ऊपर हम लोग रिस्पॉन्स दे पा रहे थे तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कम्युनिकेशन प्लान भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसके अलावा जैसे मैंने शुरू से उल्लेख किया कि मजिस्ट्रेट्स और पुलिस का संयुक्त भ्रमण जैसे हमने शुरू से किया उसी तरीके से पोल डे पे भी पूरे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर साथ में ही रहे अपने इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर सभी लोग साथ में मूवमेंट रहा कोई भी ऐसा कोई भी एक भी केस नहीं हुआ कि मजिस्ट्रेट्स पृथक घूम रहे हों या पुलिस ऑफिसर्स पृथक जा रहे हों तो एक संयुक्त एक्शन के रूप में एक संयुक्त फोर्स के रूप में पूरे समय पुलिस और मजिस्ट्रेट्स दिखाई पड़े ये पोल्ड डे की कुछ क्लिपिंग्स हैं अलग अलग स्थानों पे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स के भ्रमण हैं अश्वारोही दलों का भी हमने उपयोग किया था ये सी पी एम एफ का फ्लैग मार्च है जो उनके अराइवल पे हमने कराया था सभी ब्लॉक हेडक्वाटर्स और जिला मुख्यालय पर ये बैरियर चेकिंग है जिस प्रकार के बैरियर्स हमने ज़िलों में कई स्थानों पर बीस स्था, से अधिक स्थानों पर इरेक्ट किए थे ये कम्युनिकेशन प्लान का क्रियान्वयन है जो कि आर लेवल की टीम्स और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की टीम्स अलग अलग जगहों पर बैठ कर टेलीफोन्स के माध्यम से बूथ लेवल तक कनेक्टेड थी और ऊपर की तरफ सी ऑफिस और इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई थी इस प्रकार जैसा हमने चरणबद्ध तरीका जो बताया जो चरणबद्ध योजना हमारी थी उन चरणबद्ध योजना के माध्यम से हमने कानून व्यवस्था का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया और स्वतंत्र और निष्पक्ष शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हमने इन्श्योर कराए इसको मैं अगर सारांश रूप से कहूँ तो कानून व्यवस्था का प्रबंधन किया एक तरीके से एक वाइज और स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमने कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया अमूमन ये देखा गया कि हम लोग राज इलेक्शन प्रोसेस में इतने जो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग कई बार कानून व्यवस्था को एक पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में हैंडल नहीं कर पाते जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और कानून व्यवस्थाओं में मैं कहूँगा जो हमने एक बात कही कि कानून का राज स्थापित करें हम लोग अगर कानून का राज स्थापित होता है तो सभी राजनीतिक दलों में भी ये भावना आती है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं और उनकी एंगजाइटी अपने आप दूर हो जाती है और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती और वही हमको अपने जिले में दिखलाई पड़ा पूर्व के चुनाव में ये अनुभव रहा है कि काफ़ी ऐसी घटनाएं हमारे ज़िले में हुई हैं ग्वालियर चंबल का जो बेल्ट है वो बड़ा सेंसिटिव और क्राइम प्रोन माना जाता है और यहाँ पे दूसरे जिलों में भी कई घटनाएं कई बार होती रही हैं लेकिन हमारा एक भी इंसिडेंट पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी इलेक्शन डे पर भी पोलिंग डे पर भी एक भी सिंगल इंसिडेंट हमारा रिपोर्ट नहीं हुआ पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हमने इसके माध्यम से इंश्योर कराया

a uh, polling station is of course a point only sure, sure, but sure. then it has a catchment area so the entire area sure, sure. has to be viewed as sensitive sure. what happens is the deployment will be only at the polling station sure, sure. but uh, the uh, and polling station if there is for example central parametric forces they will effectively be able to sure. check sure. the happenings in the polling station but outside the, the control is not there Sir. so i really don't know how sir, sir. Uh, for that I, as i mentioned sir we had kept certain specific mobiles for those areas where m more number of hamlets were there sir we had a, the, a particular uh, region as i mentioned in the english uh, presentation that, that there is a uh, region in gwalior uh, 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 rural constituency which is dominated by gujar community and there were some uh, vulnerable pockets here and there in that region we had deployed two specific mobiles for those reasons. their only job was to go to those areas and do specific patrolling in those areas and to ask communities that there is no uh, such uh, prevention from uh, exercising their rights. Sir. and such mobiles were more than 25 in numbers which were specifically deployed for this vulnerable vulnerable hamlets. Uh, i would just like to add to that. Uh, this time the election commission Relax the for, the for the assembly elections in uh, Madhya Pradesh, this time, the election commission in particular relaxed the rule whereby the central paramilitary forces were to be utilized only at the polling booth level. In fact, this time we had adopted a methodology whereby we had static mobile uh, 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 patrolling forces where the CRPF was used for that purpose. And in fact, only at those polling stations where it was absolutely uh, necessary and felt so by the local administration were they posted on duty at those particular polling booths. These static mobiles were given express instructions that they had a route, all of them were given particular routes, but it was not necessary that they followed those routes, all the polling stations falling on those routes, one after the other. They could pop up. In fact, pop up was the key word. They could move from one polling station to the other and maybe come back again to the same polling station if it was so required or so they felt, rather than moving in a particular routine timetable kind of a manner, covering each of the polling booths at each stage. Uh, it was also uh, made a provision this time that with each of these mobile parties, a local person from the local police, because these people would not be knowing the geography of that area. He was deputed with them, and the SP but was made responsible to select this person who would guide these CRPF personnel, because it was uh, in many states in fact, we are told that the people are highly allergic to the local forces, and here it was the duty of this man to ensure that he was a neutral man, and he was merely guiding them and not taking them along a particular path. so these were static mobiles which were used and. Pop up was the key word. They could move in any fashion that they felt was the necessity of the moment. One more thing, sir. The, we had given the list of vulnerable hamlets to all the sector magistrates and zonal officers also. And they were uh, uh, told that in the training session that they will also go in those areas also, in those hamlets also during the uh, uh, polling day, sir. On the poll day. So the other thing is that what were the arrangements for uh, videography and uh, deployment of digital cameras? did you have videography in only the sensitive or critical polling stations or deployment of digital cameras sir. or did you have in all the polling stations not all not in all the polling stations sir. we could not even manage in all the critical and vulnerable because the number was very high sir we employed a total of 200 something cameras sir and we deployed them in critical uh, high critical all the high critical areas and uh, polling station and some of the vulnerable uh, ones, sir. And what? all the uh, sector magistrates, zonal officers and uh, police mobiles were having a video camera along with them, even observers, sir. The, which is preferred: uh, is digital camera found to be more useful in, in the police station or videography? Sir, videography is not feasible, sir, because those number of video cameras is very difficult to manage, sir. It is only the digital camera you can manage in that number, sir. What was the total number of uh, uh, sensitive police stations? This time, sir, there was no sensitive, sir, because the whole mapping critical was vulnerable, sir, critical sir, sir, critical. sir, sir. During the exercise for uh, vulnerability mapping, we had identified about 13,000 such hamlets and the number of critical uh, polling booths because vulnerability was but one part of that criticality. In certain regions, certain variations were used as was just uh, mentioned by Collector Gwalior. But overall, they came to about 28% of the total number of booths, which was 47,210. <music>